स्वागत है आपका अपने नीति हम स्टीजी काइट क्लब में। तो आज मैं एक मंजे का रिव्यू देने वाला हूँ। ये 12वीं का चरखा है जिस पर 2-3 महीने रह गई है। बहुत शानदार इसका परफॉर्मेंस रहा है मंजे का, और बहुत शानदार इससे पेज भी लड़ाए गए हैं, बहुत सारे पेज काटे भी गए। तो कटते तो है ही यार, सारे मंजे आपको पता ही होगा। ये देखिए दोस्तों, ये है कुछ मंजा ऐसा, गाजरी कलर का मंजा, बहुत शानदार। ब्लॉग में आपको दिखा दूँ किस कारीगर का, तो मुन्ने मियाँ मांझे में कर का है ये, मुन्ने मियाँ की डोर है, बहुत बढ़िया। बरेली का ही मांझा जाता है, उनका कर करते हैं। मांझा आप देख लीजिए, बहुत शानदार मंजा है। आपको अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बाकी मांझे का मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। मांझे की दोस्तों धार बहुत शानदार है, तेज कांटे का मांझा है, बहुत तेज धार है मांझे का। 1-2-3 की डोर पे नहीं बना हुआ है फ्रेंड्स, ये 80-57 की डोर पे बना हुआ मंजा है, बहुत शानदार मंजा है, बहुत ही बेहतरीन। चरखी भी दिखा दूं दोस्तों आपको मैं, बहुत शानदार चरखी है ये। दोस्तों हम कहीं चरखी लाते हैं मंजे की, जब मंजा ख़त्म हो जाता है तो हम चरखी वापस कर देते हैं, वो उसमें मैनेज कर देते हैं अपने रेट, फिर हम नया मंजा लेने जाते हैं कोई तो। बाकी मंजा बहुत शानदार है, बहुत ही महीन डोर है, बहुत बड़ा, काफ़ी पेज काटे हैं फ्रेंड्स इससे। और लगातार एक बंदे ने हमारे क्लब के इस मंजे से उड़ा के 16 पेज काटे थे, बहुत ही बढ़िया पेज भी ला जब आप मंजा, तो बहुत ही बढ़िया मंजा है, पेज धार। मैं कई दिनों से सोच रहा था इस मंजे का रिव्यू देने के बारे में, मैंने सोचा आज आपको दे दूं मंजे का रिव्यू। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया ये मंजा है, बहुत ही शानदार इसका धागा, बहुत बढ़िया डोर है, 57 पे बना हुआ मंजा। दोस्तों मैदान में दो ही डोरें लड़ती हैं, या तो 57 या 1-2-3, बाकी आप लड़ा तो कोई भी डोर लीजिए, वहाँ पे 84-100 लड़ा लीजिए, लेकिन वो क्लबों में आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी मंजा दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, अगर आप चाहें तो आप भी परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्ट भी इस मंजे की नहीं है, 1400 रुपये का ये मंजा है, 12 रील की फिरकी है। तो दोस्तों कमेंट में आके बताइए अगला वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।